चलिए खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और सबसे बड़ी खबर आज की ये है कि अब इंडिया नहीं भारत होगा, प्रदेश का नाम इंडिया से बदलकर भारत ही रखने की कवायद तेज हो गई है। G20 के निमंत्रण पत्र पर चूंकि ये खबर इसलिए भी ज्यादा चर्चाओं सुर्खियों में है, इस पर बात इसलिए हो रही है चूंकि G20 के निमंत्रण पत्र पर इंडिया की जगह भारत लिखा गया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है, तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम पर निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं। कांग्रेस समेत तमाम विरोधी दल सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सरकार पर बोला अटैक, कहा ये संघीय ढांचे पर हमला है। इंडिया की जगह भारत लिखकर बीजेपी ने नई बहस छेड़ दी है, आम आदमी पार्टी का कहना है इंडिया को बीजेपी कैसे खत्म कर सकती है, ये भी सवाल पूछा गया। अच्छा, अब चर्चाएं ये भी हो गई है कि विशेष सत्र चूंकि G20 सम्मेलन के ठीक बाद बुलाया गया है, कुछ दिन बाद आप कह सकते हैं कि बुलाया गया है और 5 दिन का ये सत्र है, चर्चाएं अलग अलग तरह की हैं। अब एक खबर ये भी चर्चाओं में है कि क्या इन नाम बदलने की दिशा में भी सरकार कोई कदम इस दौरान उठा सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति भवन से जो इनविटेशन कार्ड भेजा गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जाना, ये वाकई बहुत बड़े संकेत दे रहा है। जयराम रमेश लिखते हैं कि ये खबर वाकई सच है। राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 डिनर के लिए जो इनविटेशन भेजा है जिसमें इंडिया की जगह भारत लिखा है। जयराम ने आगे लिखा कि संविधान में अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया जिसे भारत कहते हैं वो राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन अब इस राज्यों के संघ पर भी हमला बोला जा रहा है, ट्वीट किया गया है। राघव चड्ढा की ओर से यानी आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया इंडिया की जगह भारत लिखकर बीजेपी ने नई बहस छेड़ दी है। चलिए बात कर लेंगे कांग्रेस और बीजेपी से। बीजेपी प्रवक्ता राम राजी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर टीना कर्मवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आप दोनों का। शर्मा जी, ये जो इंडिया का नाम बदलने के आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं, सरकार पर लग रहे हैं, विपक्ष ये कह रहा है कि ये संघीय ढांचे पर बड़ा हमला है बीजेपी का। देखो जी, ये विपक्ष का काम है सरकार को बदनाम करना। आदिकाल से लेकर हमारा नाम पहले भी भारतवर्ष कहा जाता था और शुरू से भारतवर्ष नाम था, ये ईस्ट इंडिया आई है, ईस्ट इंडिया आने से उसने हमारा नाम के आगे इंडिया जोड़ दिया, तो ईस्ट इंडिया की वजह से इंडिया कहलाता था भारत, ये शुरू से हमारा नाम भारतवर्ष है। विपक्ष को क्या दिक्कत आ रही है, मैं विपक्ष वाले भाइयों से पूछना चाह रहा हूँ, इनको क्या दिक्कत आ रही है? अच्छी बात है, कोई सरकार कोई अच्छा काम करती है तो विपक्ष ने उसका क्या नाम है वेलकम करना चाहिए। तो आप लोगों को अभी याद आया ये? ना ना, ये तो पहले से ऐसा प्लानिंग चल रहा था। अब सही समय आ गया, सही समय पर सही काम वक्त आ चुका है, ये सही वक्त आ चुका है। हालांकि संविधान का हवाला देते हुए आपकी पार्टी कह रही है कि संघीय ढांचे पर हमला है, इंडिया का नाम बदला जाना, और चूंकि अब जो विपक्षी दलों ने जो लामबंदी की है सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ गठबंधन का नाम रखा गया कि इंडिया, रामराजी को लग रहा है कि ये सही वक्त आ चुका है नाम बदले जाने। देखिए ज्योति जी, ये साफ तौर पर दिख रहा है ये प्रतिशोध की राजनीति है, और जब कहीं भी प्रतिशोध की राजनीति होती है तब वहां देश के अंदर सिर्फ नफरत फैलती है और विकास का कार्य जो है पीछे छूट जाता है। इससे हमें करना क्या चाहिए था देश के प्रधानमंत्री को, महंगाई के ऊपर लगाम लगानी चाहिए थी, रोजगार देने चाहिए थे युवाओं को, लेकिन देश के प्रधानमंत्री इस समय कर क्या रहे हैं? जैसे RSS ने कहा कि भारत बोल दीजिए, तो इंडिया अलायंस जब से हमने जिस तरीके से 3 बैठकें हमारी हुई और मजबूती के साथ जब बैठके होती हैं और जिस तरीके से इंडिया अलायंस की मजबूती से सारे छतरी के नीचे जब सारे मुख्य विपक्षी पार्टियां एक हुई, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सुबगाहट शुरू हो गई, बौखलाहट शुरू हो गई, और उन्होंने लगातार जो है कभी इंडिया को घमंडिया कहना शुरू किया, कभी कुछ। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ, देखिये ये संविधान, ये देश भारत संविधान से चलने वाला देश है, ये इस बात से आर्टिकल 1 में पहले आर्टिकल में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, ये संविधान को बदलने की साफ तौर पर कोशिश की जा रही है। और ये बात हम आपसे नहीं कह रहे, 2014 के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी और RSS की एक उद्देश्य यही रहा है कि लगातार संविधान को बदला जाए, और ये उसी कगार पर है आज जिस तरीके से संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। और एक बात मैं आपकी चैनल के माध्यम से कहती हूँ, जो संविधान के साथ छेड़ करता है उसको सजा जरूर देगी, और देश की जनता जो 140 करोड़ जनता है उसकी आत्मा किसमें बसती है, वो संविधान में बसती है, देश की आत्मा, देश की आत्मा संविधान को कहा जाता है। लगातार भारतीय जनता पार्टी संविधान को छेड़ने करना ये तो प्रक्रिया का हिस्सा, इसमें ऐसा नहीं हो नहीं सकता, संविधान में संशोधन बहुत सारे अब तक हो चुके हैं, आप जानते हैं ये।
देखिए अच्छा लेकिन नहीं लेकिन तो अगर आप मुझे एक बात बताइए, मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछती हूँ, क्या पूछ रहे हैं आप पूछिए जी, अगर हम लोगों ने अलायंस का नाम भारत अलायंस रख दिया होता तो क्या आज जो भारतीय जनता पार्टी है वो भारत का नाम भी बदलने की साजिश करती? सवाल यहाँ पर गंभीर है मैम। रामराज जी देखिए, मैं जो कांग्रेस नेता कह रहे हैं वो मैं पढ़कर सुना दूं। पीएम मोदी ने पीएम का ही जिक्र कर रहे हैं, सरकार का भी जिक्र कर रहे हैं कि मेक इन इंडिया जैसे नाम रखे गए आप लोगों की ओर से, स्किल इंडिया नाम रखा गया, तब आप लोग नहीं डरते थे इस नाम से, अभी कहां से आ गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से रखा गया था। और संविधान के पहले ही आर्टिकल में, पहले ही अनुच्छेद में जब ये लिखा कि इंडिया दैट इज भारत, तो अब क्यों याद आ रहा आप लोगों को? और जब आप बहुत महत्वाकांक्षी योजनाओं के नाम इंडिया पर रखते हैं तब क्यों नहीं याद रहता? सबसे पहले तो इनको बीजेपी हैंडल का नाम ही चेंज करना चाहिए, इनका ट्विटर हैंडल बीजेपी फॉर इंडिया है, किसके कहां कहां से नाम बदलेंगे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, आईआईटी का नाम, सब जगह इंडिया है मैम। आपने मेरा सवाल सुना शर्मा जी? रामराज जी है हमारे साथ पीसीआर? रामराज जी आप सवाल सुन रहे हैं क्या? तो टीना जी देखिए, अभी तक चूंकि निमंत्रण पत्र जो दिया गया है, इनविटेशन कार्ड में नाम बदला गया है, आप लोग क्यों इस बात को ऐसे ही ले रहे हैं कि आप लोगों के गठबंधन की वजह से ही सरकार इस तरह का कदम उठा रही है? देखिए भारतीय जनता पार्टी, हम लगातार ये बात कहते आए हैं, भारतीय जनता पार्टी इंडिया शब्द से चिढ़ रही है, जबकि मैं बार बार ये सवाल कर रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट सब जगह तो इंडिया लिखा हुआ है, आईआईटी आईएम सब जगह, कहाँ कहाँ से नाम बदलेंगे? और नाम बदलने की ये जो कवायद शुरू की है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई है, करना ये चाहिए था कि इनको विकास के काम करने चाहिए थे, ये सिर्फ जब से हम लोगों का, हम बार बार ये कह रहे हैं, इनको डर किस बात का है? जब मोदी जी के नाम पर जब चुनाव लड़ा जाता है कर्नाटक में तो हार जाते हैं, हिमाचल में लड़ा जाता है तो हार जाते हैं, ये हार का डर है, साफ तौर पर दिख रहा है। और पूरे देश में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब इस बात की थू होगी कि कहां जहां विकास 21वीं शताब्दी में जहां लोगों के लिए काम करने चाहिए, विकास के काम करने चाहिए, वहां नाम बदलने की कवायद शुरू कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत ही चिंताजनक है। और हम चाहते नहीं, हम बार बार ये बात बोलते हैं, संविधान को जिस तरीके से छेड़छाड़ करने की कोशिश है, आपके कहा आप संविधान के साथ, बाबा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा था, यदि संविधान ऐसे लोगों के हाथ में दिया जाएगा जो अच्छे हों लेकिन संविधान को ठीक से नहीं चला पाए, तो ये साफ तौर पर दिख रहा है कि उनकी कही हुई बात बिल्कुल सही थी। आज हमने संविधान एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे दिया, ऐसे तानाशाह के हाथ में दे दिया जो संविधान को ठीक से नहीं चला पा रहे हैं, इसी वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। और लगातार देखिए 127 नंबर पर मैं गरीबी के इंडेक्स में, ठीक है मैडम अभी सुनिए आप, वो कह रहे हैं कि ठीक है हमने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया तो आप भारत करने की दिशा में कवायद। मेरे को पास कोई आधिकारिक सूचना नहीं है इस बारे में कि ऐसा वो करने जा रहे हैं, लेकिन जैसा आप लोग बता रहे हैं ऐसी उड़ती उड़ती हवा सुनी है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे? देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया तो फिर भारत भी बदल देंगे, फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे? मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? देश है भाई देश, इतने हजारों साल पुराना भारत देश है, इतनी बड़ी पुरानी संस्कृति है, इतना पुराना हमारा देश है, उसका नाम इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे इसलिए भारत का नाम बदल दो। ये तो देश के साथ गद्दारी है। मतलब पार्लियामेंट मैजिक बटन मतलब दब चुका है, ऐसा लगता है कि देखिए इंडिया अलायंस का के लिए जो इनका रिस्पॉन्स है उससे लगता है कि बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं, बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं। जिस दिन इंडिया अलायंस आया था उस दिन उन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया, वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे डाइवर्ट करने के लिए टेंशन। वन नेशन वन इलेक्शन कैसे कर सकते हैं? वन नेशन वन इलेक्शन
से जनता को क्या फायदा है कि मतलब मैं अगर आपको कहूँ वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे, कोई फायदा होगा आपको? आपके परिवार को कोई फायदा होगा? बच्चों को कोई फायदा होगा? कोई महंगाई कम हो जाएगी? बेरोजगारी कम हो जाएगी? वन नेशन वन इलेक्शन का, वन नेशन वन इलेक्शन का बस एक ही फायदा है। अभी ये इनको हर छः छः महीने में जनता के बीच में जाके जनता से कुछ, जनता के कुछ काम करने पड़ते हैं। फिर ये 5 साल में एक बार शक्ल दिखाएंगे, 5 साल पूरी दुनिया घूमेंगे, फिर 5 साल में एक बार शक्ल दिखाने आएंगे। मैं चैलेंज करता हूं, अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो गया तो अगले चुनाव के पहले 5,000 रुपये का सिलेंडर मिलेगा, और अगली बार फिर ये 5,000 सिलेंडर करके और कहेंगे 200 रुपये कम कर दिए सिलेंडर के। तो ये बेसिकली काम नहीं करना चाहते, 5 साल काम नहीं करना चाहते, 5 साल मटर गश्ती करेंगे और फिर 5 साल में एक बार आके और फिर कहेंगे कि। तो अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, वन नेशन वन इलेक्शन के लेकर जो चर्चाएं हैं उस पर भी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन नाम बदले जाने की जो कवायद है या सुगबुगाहट है उसे लेकर कहते हैं कि अगर हम गठबंधन का नाम भारत रख लेते तो क्या बीजेपी देश का नाम भी बीजेपी रख देती? 140 करोड़ लोगों का ये देश है, ये भारतीय जनता पार्टी का अकेले देश नहीं है, ये देश के साथ गद्दारी है। कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर क्या कह रहे हैं इस पर, वो भी आपको सुनवाते हैं। मैं तो समर्थक ही नहीं हूं इंडिया, मेरा ख्याल क्या लगा है? किसी ना किसी गलत शब्द का इस्तेमाल उन्हें करना था किसी के लिए, और आप देख लो कहीं रेड इंडियन कहीं खो जो भी इस्तेमाल हो करते रहे। मैं नहीं समझ, मैं ना अपने आप को इंडियन समझता हूं ना मैं इसका समर्थक हूं, मैं भारतीय हूं और मुझे भारत भी गर्व है। चलिए शर्मा जी अगर हमारे साथ हैं, रामराज जी आपको पिछला प्रश्न आप नहीं सुन पाए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल को आपने सुना कि हमने इंडिया नाम रख लिया के तो आप भारत नाम ही रखना चाहते हैं अकेले देश का, लेकिन हम नाम ही भारत रख लेते तो क्या देश का नाम बीजेपी बीजेपी ही रख देती, और क्या ये देश के साथ गद्दारी नहीं है क्योंकि अकेले बीजेपी का देश नहीं है? देखो कोई नई शुरुआत करते हैं समय होता है, समय भगवान होता है, हमें जो अनुसार काम करना चाहिए। आदिकाल से लेकर भारतवर्ष के नाम से बाहर जाना जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी आने से उसका नाम इंडिया रखा गया है, इनको क्या दिक्कत है? इनको तो खुश होना चाहिए, जैसे जैसे अब हम चांद पे गए हैं, ये समय था इच्छा शक्ति मजबूत होती। संविधान के पहले अनुच्छेद में क्या लिखा है? इंडिया दैट इज भारत। आप लोगों की कितनी योजनाएं हैं जिसमें भारत नाम इंडिया नाम आता है? चलो अब समय अच्छा है, कितनी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं और क्या क्या। देखिए विपक्ष अभी ये कह रहा है कि आप लोगों की बौखलाहट है, विपक्षी गठबंधन को लेकर। विपक्ष का काम है बुराई करना, अच्छा काम तो आज तक इन्होंने कोई किया नहीं। तो ऐसे ऐसे सदन में विश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो वहाँ पे जब सब सही समय आता है छोड़ जब आ जाते हैं, जनता का फालतू का समय खराब करते हैं। इसलिए हम पारदर्शी हर मामले में पारदर्शी है। केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री देवतुल्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जी की अगुवाई में हमारा देश तरक्की कर रहा है, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहे हैं, विदेशों में हमारी धाक जमी है, राष्ट्राध्यक्ष विदेशों के राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री जी से ऐसे मिलते हैं जैसे उससे देवता से मिलते हो, और उसके रक्षा के क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर बने हैं और इकोनॉमिक क्षेत्र में भी हम आगे बढ़े हैं। ऐसे हरियाणा में भी हमारी सरकार पारदर्शिता के आधार पर काम कर रही है। जो योजनाओं का शर्मा जी नाम रखा गया इंडिया जिसमें है, तो क्या वो भूल थी या अब नींद टूटी है, इसे कैसे देखा जाए? नहीं वो इम्प्लीमेंट होता है तो इम्प्लीमेंट के बाद में आगे हो जाएगा। भारतवर्ष में उस वक्त तो क्या दिक्कत आ रही है? ये इंडिया इंडिया इनका गठबंधन बना है, इनका गठबंधन है, गठबंधन कोई विजन ही नहीं है इनके पास। ज्योति जी इनके पास कोई विजन नहीं है। टीना जी अभी कह रहे हैं कि गठबंधन तो लठबंधन है, इस पर तो बात ही ना करें, लेकिन आप लोग विरोधियों का काम केवल खामियां निकालना के। सदियों से भारत वर्ष नाम के, अगर बीजेपी इस दिशा में कोई अच्छा कदम उठाना चाहती है जो कि इनको लगता है, तो उसमें क्या बुराई? देखिए जब भारतीय जनता पार्टी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक ऐसा इनिशिएटिव लागू किया था तो हमें लगा था कि बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन क्या उसको ठीक से इम्प्लीमेंट कर पाएगी? इन्हीं की नेताओं से बेटियां बचाने की जरूरत पड़ गई है। और दूसरी बात, अगर ये चाहते हैं नाम बदलना, नाम बदलने की परंपरा क्यों शुरू की गई है? नाम बदलने की परंपरा जब से इंडिया अलायंस की मजबूती हुई है इन्होंने नाम बदलने की कवायद शुरू की, और हम बार बार ये कहते हैं कि आपको विपक्षी पार्टियां क्या कहती हैं? विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि आपको 9.5 साल हो गए, 9.5 साल में इन्होंने काम करके देने चाहिए थे, नया शिकूफा छोड़ा है कि वन नेशन वन इलेक्शन। आप पूछते हैं वन नेशन वन इनकम क्यों नहीं हो सकती इस देश के अंदर, वन नेशन वन क्वालिटी एजुकेशन क्यों नहीं हो सकती इस देश के अंदर? इस देश के अंदर जिस तरह लगातार
नफरती एजेंडा जो भारतीय जनता पार्टी ने चलाया है वो खत्म होना चाहिए, लेकिन ये लगातार प्रतिशोध की राजनीति लगातार कर रही है और हम चाहते हैं इस देश के अंदर विकास हो। देखिए 9.5 साल तक देश के प्रधानमंत्री शांत बैठे रहे, खामोश बैठे रहे, ना महिला मुद्दे पर बोलते हैं, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। कांग्रेस ने आपको सुना टीना जी, आप देखिए ये ऐसे डिबेट करते हैं। टीना जी आपको सुन रही है बड़े धैर्य के साथ, अब आप ये हर डिबेट में ऐसा करते हैं। बात तो पूरी करने दीजिए, आप लगातार बोल रहे हैं पहले वाक्य से। नहीं, एक तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास कोई विजन नहीं है, इनकी पार्टी के नेताओं के पास भी कोई विजन नहीं है, ये हर डिबेट में ऐसे ही करते हैं, आके बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। आपको जब इस बात की तसल्ली नहीं है कि विपक्ष को सुना जाए, आप कैसे, आप जब मीटिंग्स करते हैं, आप सोचिए ज्योति जी, जिस संसद के अंदर विपक्षी पार्टियों को, लोकतंत्र को इन्होंने खत्म कर दिया, विपक्ष के नेताओं को सुनना चाहिए। कमेटी में विपक्षी की भी प्रमुख भूमिका होती है, किसी को नहीं बुलाया गया, चाहे वो संसद इनॉग्रेशन का समय हो चाहे अब, और लगातार जो है अब ये संसद सत्र बुला रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए कोविड के समय में इन्होंने कौन सा स्पेशल सेशन बुलाया, इन्होंने कब जो है कि जब महिला खिलाड़ी प्रोटेस्ट कर रही थी तब इन्होंने कोई सेशन बुलाया, ना कोविड के समय, ना नोटबंदी के समय, ना जीएसटी, नोटबंदी की रातों रात कर दी और कुछ समय बाद उसको वापस ले लिया, ये इनका विजन है। ममता बनर्जी कह रही है कि भारत भी है नाम, इंडिया भी नाम है, हिंदी में भारत कह देते हैं, इंग्लिश में इंडिया कह देते हैं, पूरी दुनिया इंडिया के नाम से जानती है, तो इसमें नया क्या करना चाह रहे हैं आप लोग। दूसरा विरोधी दल ये भी कह रहे हैं कि जब हमारी पहचान ही इंडिया के नाम से है, आप लोग बदलाव करने के वादे के साथ आए थे, लेकिन 9 साल बाद आप लोग क्या बदलाव कर रहे हैं, केवल नाम बदल रहे हैं। ममता बनर्जी का इतिहास का अपना पता है और इससे ज्यादा तो मैं क्या कहूँ, ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। अरे बाहर तो देश का प्रधानमंत्री का भी इतिहास पता है, मोदी जी का भी पता है, और जैसा अमित शाह का इतिहास भी पता है, ये भी मत बोलिए, मोदी शाह का भी इतिहास पूरे देश को पता है, 140 करोड़ लोगों को मोदी शाह का इतिहास पता है, मत बोलिए। आप पूरी करने दीजिए, अपने इनको बात पूरी करने दीजिए। ये ममता बनर्जी कह रही है, कोई भी कह रहा है, ये बात तो, ये तो फैक्ट है ना अपने आप में कि इंडिया नाम भी है ही, भारत नाम भी है ही, संविधान में भी इंडिया है, इंग्लिश में इंडिया कह देते हैं, बहुत सारी योजनाओं के साथ इंडिया के, दुनिया इंडिया के नाम से जानती है। अब विपक्षी दल अगर ये कह रहे हैं कि क्या नया करना चाह रहे हैं आप लोग, तो आप ये मत ये कह के खारिज ना करें कि इनको तो सीरियस ना लें, कि विपक्ष तो केवल आलोचना करेगा। आप कोई तथ्य, कोई बात तो रखिए ना, तार्किक बात करें आप। आप ये बताओ, विपक्ष ने आज तक किसी अच्छे कार्य का समर्थन किया सरकार का? कोई भी काम सरकार अच्छा लेगा तो विपक्ष शर्मा जी रोक रहे नाम भी है ही, इंडिया नाम भी है, इसमें नया क्या है? फिर उनको भारतवर्ष में क्या दिक्कत है? इंडिया का एक इनका एक गठबंधन बना है, लोगों इनका बना नहीं, पहले लट बज रहा है, अलका लांबा और संदीप दीक्षित कह रहे हैं हम इसमें हिस्सा ही नहीं, हम इसमें इसको क्या नाम केजरीवाल को शामिल नहीं होने देंगे, उनका आपस में लट बज रहा है। ऑब्जर्वर गो बैक जैसे ईस्ट इंडिया गो बैक के बारे में। आखिरी मैं टीना जी के पास जाऊं उससे पहले आप ये बताएं कि आप ये पूछ रहे हैं कि इनको भारत नाम में दिक्कत क्या है, तो क्या आप लोगों को इंडिया नाम में दिक्कत है? हाँ, तो इनको पता क्या दिक्कत आपको, है? ओके, आपकी बात ठीक है, आपने पूछ लिया कि इनको भारत में क्या दिक्कत है, तो क्या आप लोगों को इंडिया नाम से दिक्कत है, और क्या ये दिक्कत नई है या पहले से भी थी? और अगर पहले से भी थी तो बहुत सारे नाम में इंडिया क्यों है? आप ये बताओ, ये इंडिया नाम क्यों रखा गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से तो रखा गया था। अगर कोई चीज इम्प्लीमेंट होती है तो इनको तो खुश होना चाहिए। आदिकाल से भारतवर्ष के नाम से हमारा देश जाना जाता है, इनको तो जो बेकार करनी चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। टीना जी कुछ कहना चाह रहे हैं? टीना जी बहुत अच्छा फैसला ये कह रहे हैं, ये तो हालांकि बहुत दावे से कह रहे हैं कि हाँ हम बदलने वाले हैं नाम, और आप लोग स्वीकार कीजिए, इसका स्वागत कीजिए। देखिए साफ तौर पर जिस तरीके से ये कह रहे हैं, साफ तौर पर दिख रहा है ये बाबा साहब से नफरत करते हैं, अंबेडकर साहब से नफरत करते हैं, ये वैसी ये कैसी राजनीति करना चाहते हैं जो हम लगातार बोल रहे हैं, नफरत की राजनीति, गोडसे की नीति अपनाना चाहते हैं। गांधी का देश है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, ये गांधी का देश है, गांधी की विचारधारा से ये देश चलेगा, अंबेडकर की विचारधारा से ये देश चलेगा, लोहिया की विचारधारा से ये देश चलेगा, ये आरएसएस के एजेंडे पे देश नहीं चलेगा कि आरएसएस ने कह दिया और उस देश में लागू हो जाएगा, मोहन भागवत ने कह दिया और उस देश में लागू हो जाएगा। आप 140 करोड़ लोगों की आत्माओं के साथ छेड़ कर रहे हैं, और 140 करोड़ लोग जब वोट देंगे तो आपने आईना दिखाया, और जिस तरीके की फप्तियां कस रहे हैं आपके नेता,
मुझे एक अंतिम बात का उत्तर दीजिएगा शर्मा जी। जी अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि अगर हम गठबंधन का नाम भारत रख देते तो क्या आप देश का नाम बीजेपी रख देते? बोले अरे रख देते भारतवर्ष है, भारतवर्ष बीजेपी एक पार्टी का नाम है, भारत हमारे देश का नाम है। अरविंद केजरीवाल जो सबसे झूठा आदमी है, हरियाणा का हिस्सा मार रहा है, पंजाब में उनकी सरकार है, यहाँ आके बोलता है हरियाणा का लाल, पंजाब में जाके बोलता हम एक बूंद पानी हरियाणा को दे देंगे, इससे बड़ा झूठा आदमी कोई है नहीं। ऐसा है अरविंद केजरीवाल हरियाणा का लाल है, हमारे को ऐसा इनका पानी दिलाए, हमारे को वो हमारा हिस्सा दिलवाए। सबसे ज्यादा शोर यही मचाता है, अरे 16 साल के मजाक बन रहा है आपका पूरे देश के अंदर, मजाक बन रहा है जिस तरीके की आप रणनीति अपनाना चाहते हैं इस देश में, चाइना बनाना चाहते हैं इस देश को, चाइना की नीतियां लागू नहीं होंगी इस देश के अंदर। आपने जो भी आरोप लगाने थे वो लगा लिए। अब आप विरोधी दल ये भी कह रहे हैं कि ये केवल भारतीय जनता पार्टी का भाग नहीं है। अरे शर्मा जी अभी आप सुनिए, समय कम है। आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि ये केवल भारतीय जनता पार्टी का देश नहीं है, 140 करोड़ लोगों का देश है, और इस तरह से नाम बदला जाना, अगर बदला जा रहा है तो देश के साथ गद्दारी है, ये कहना है विरोधी। कोई भी अच्छा काम करे इनको गद्दारी नजर आती है, उसमें कोई समय पर अच्छा काम होता है वेलकम करना चाहिए आपने। तो बोलना नहीं चाह रहे अंदर से, तो ये भी लग रहे हैं कि क्या कर दिया ये, अभी लग रहा है अंदर से तो अभी कि ये तो गलत किया गया है, संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, और जो संविधान के साथ छेड़ करता है उसके साथ अंत में क्या होगा सबको पता है। तानाशाह तुगलक की फरमान जारी नहीं होगा इस देश में, संविधान से चलेगा, संविधान से चलेगा, देश की आत्मा संविधान है। आप लोगों ने वक्त दिया तो ये एक चर्चा है, और ये चर्चा इसलिए है क्योंकि G20 का जो निमंत्रण कार्ड है, निमंत्रण पत्र है, उसमें नाम इंडिया की जगह भारत कर दिया गया, प्रेसिडेंट ऑफ भारत कर दिया गया। अब इसके बाद चर्चा ये है कि जो सत्र बुलाया जाएगा क्या वाकई उसमें देश का नाम बदलने को लेकर भी कोई प्रस्ताव आएगा। विरोधी दलों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, तो आने वाले दिनों में क्या कुछ नाम को लेकर रहता है ये भी देखना बेहद दिलचस्प और अहम होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।